हमारे गांव में जो होली का त्योहार होता है ना, तो सारे बच्चे लोग एक दूसरे पर रंग बचाते हैं और हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। बस ये देखो, ये हमारे बच्चे बस ऐसे ही भागते रहते हैं। बच्चे ही नहीं, छोटे बड़े बूढ़े सब लोग ऐसे ही मजा करते रहते हैं। बस होली आई है, होली आई है। बस ये तो होली का त्योहार है, तो होली खेलते रहते हैं। ओके, ब्रेक हो गई, रास्ते साफ करो। चलो चलो बच्चों लोग, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। चलो 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 चलो। बहुत पुराना है, जैसे हजारों साल पहले से होली चली आ रही है और वो तो हमारे एक परंपरा हो चुकी है। जब जब राधा और कृष्ण की बात करें, तो जब बचपन में राधा कृष्ण ने जब वो लोग होली खेलते थे, तो कृष्ण भगवान जो थे वो थोड़े श्याम थे मेरे जैसे, तो और जो राधा जी थी वो बहुत सुंदर थी, तो कृष्ण जी को हमेशा बिल्कुल आपकी तरह, और जो कृष्ण जी होते थे हमेशा वो कंप्लेंट करते थे। कैसे कंप्लेंट नहीं करते थे, इतने बदमाश थे। अरे कंप्लेंट करते थे, आपने तो बताया कि जो मजाक मस्ती करते हैं उसको कंप्लेंट करते हैं। और आप मैं तो पूरी कहानी सुनाऊं इससे पहले कि ना एक और गाना बजाए। अच्छा, अब हम बुला रहे हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट डेविड। श्रद्धा जी गाना गा रही है, हम तो बहुत खुश है। श्रद्धा जी आप जरूर हमारे लिए एक अच्छा गाना गाए। नमस्कार।
कृष्ण की स्टोरी हमें याद दिला दी, यू नो, जैसे राधा और कृष्ण जब गांव में जब वो होली खेलते थे तब ऐसे ही नैनो से नैन मिलाते रहते थे, तो वही आपने याद दिला दी आज, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। Do you have any fan on your list?